नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। अब बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस प्रकार निकल कर आई है कि वाकई डरने वाली बात है। अब आपको डरना होगा, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतनी होगी। राज्य में रिकॉर्ड 13,374 नए केस संक्रमित पाए गए। यह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मरीजों की संख्या है। 24 घंटे में मंगलवार को राज्य में 12,604 नए संक्रमित मिले थे। इस प्रकार 24 घंटे के अंतराल में 770 नए संक्रमितों की वृद्धि हुई है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना संक्रमण कितनी तेज रफ्तार से चल रही है। राज्य में एक दिन पूर्व की तुलना में संक्रमितों की संख्या 5.75% वृद्धि हुई है। वहीं मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या की दर 12.56% और स्वस्थ होने की दर 77.43% बताई जाती है। राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना में सर्वाधिक 2207 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 6 अन्य जिलों में भी 500 से अधिक मरीज मिले हैं। वहीं राज्य के 28 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अररिया में 120, अरवल में 179, बांका में 119, भागलपुर में 454, बक्सर में 213, दरभंगा में 140, पूर्वी चंपारण में 218, गोपालगंज में 166 नए संक्रमित मिले हैं। उधर अगर बात करी जाए तो राज्य के उद्योग निदेशक पंकज कुमार सिंह का मंगलवार की रात पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्हें करीब 2 सप्ताह पूर्व अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वे अपने उबर ही नहीं रहे थे। इस बीच हृदय गति रुकने के चलते इनकी मृत्यु हो गई। यह नई बात नहीं है। आईएएस, आईपीएस, वीडियो सीओ सहित कई बड़े पदाधिकारी का ध्यान तब तक हो चुका है दूसरे राज्यों में। बंगाल में विधायक उम्मीदवार और विधायकों की भी मृत्यु हुई है। अब इस बढ़ते रफ्तार को देखते हुए गहन अध्ययन कर नीतीश कुमार ने बैठक करके स्पष्ट किया है कि अब 12 घंटे तक का कर्फ्यू लगेगा, यानी 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक कर्फ्यू लगेगा। दुकान खुलने की जो बात थी कि 6 बजे शाम तक, अब उसका समय घटा के 4 बजे शाम तक कर दिया गया है। 6 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक आप दुकान खोल सकते हैं। अब अंतिम संस्कार में 20 लोग मात्र जाएंगे और शादी समारोह में मात्र 50 लोग ही शामिल होंगे। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी के सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। आए दिन कई जगह पता चलता है कि डॉक्टर और नर्सों के साथ मरीज के परिजन विवाद पैदा करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करी जाएगी। कोरोना में जो मृत पाए जाएंगे और कोरोना सिम्टम से जो मृत पाए जाएंगे उनका दाह संस्कार अब सरकार अपने खर्चे से करेगी। मृत के दाह संस्कार का जिम्मा अब सरकार ने लिया है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उसकी भी अवधि 5 बजे के बजाय 4 बजे कर दी गई है। 4 बजे 25% ही काम करने वाले कर्मी उपस्थित होंगे। यही नहीं, वैक्सीन देने की भी बात है, वैक्सीन देने की चर्चा की गई है और कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार को देखते हुए, इस कोरोना रूपी महामारी को देखते हुए आम लोगों से भी अपील की गई है और आम लोगों को माइकिंग के द्वारा सजग और सतर्क करने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि इस बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए स्वयं आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा करें और सरकार के काम काज में भागीदार बने, सहयोग करें, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। कोरोना संक्रमण बड़ा बुरी तरह जीवन लीला को समाप्त करता जा रहा है।
मरने वाले की संख्या की अगर बात की जाए तो 100 के आंकड़े प्रत्येक दिन पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।